मेरे नौजवानों गौर करो, अगर हज इस्माइल की कुर्बानी की याद है तो आजादारी, ये फर्श अज़ा, ये अज़ाए सैयदुश्शोहदा, ये फख्र इस्माइल की कुर्बानी की याद है, अगर हज में फिक्र को ताहिर होना चाहिए तो फिर अज़ाए हुसैन पर आने से पहले कल्ब को ताहिर होना चाहिए, फिक्र को ताहिर होना चाहिए, ज़हन को ताहिर होना चाहिए, दिल को ताहिर होना चाहिए। अय्याम अज़ा आने वाले हैं, मेरे नौजवानों हाथों को जोड़ के कह रहा हूँ, ज़हन में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि फर्श अज़ा तो बिछ जाए, आज़ादारी का एहतमाम तो हो जाए, लेकिन आज़ादारी तो हो लेकिन साथ में मकारी भी हो, आज़ादारी भी हो, अय्यारी भी हो, आज़ादारी भी हो, दीन से गद्दारी भी हो, आज़ादारी भी हो, बातिल से यारी भी हो, आज़ादारी भी हो, शरीयत से बेजारी भी हो। नहीं, याद रखना, अगर तुम फर्श अज़ा पर बैठे हो तो एक हकीकी आज़ादार पर्दे गैब से तुम्हारी आज़ादारी देख रहा है, अगर उसकी आमद के मुंतजिर हो, याद रखना, वक्त का शब्बीर आने को है, तैयारी करो, जिससे राजी हो इमाम ऐसी आजादारी करो, कहीं ऐसा ना हो कि आजादारी का फर्श तो बिछ जाए लेकिन ये आजादारी ऐसी हो कि फर्श अज़ा इमाम बाड़े में बिछ तो गया है लेकिन यही फर्श अज़ा सियासत की आमाजगाह बन रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मोमिनों को बुलाया तो जा रहा है अज़ाए हुसैन पर लेकिन दिलों में बुग्ज भी है, दिलों में कीना भी है, एक दूसरे के लिए साजिशें भी हैं। फर्श अज़ा पर बैठ के फ़ातिमा की आमद के हम मुंतज़िर तो हैं, हमारी गुनाहगार आँखें देख नहीं पाती कि कब ये मासूम हस्तियाँ आके फर्श पर बैठ गईं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस फर्श पर कौन है। ज़रा सा मजलिस में ताखीर है तो फिर गीबतें भी हो रही हैं, फिर चुगलखोरी भी हो रही है, फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशों वाली बातें भी हो रही हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, आज़ादारी करना है तो वैसे करो जैसे हमारा इमाम चाहता है, कहीं आज़ादारी के साथ ये जज्बात दिल में पैदा ना हो जाएं, ये हमारी मजलिस है, ये उनकी मजलिस है, ये हमारा इमाम बारगाह है, ये उनका इमाम बारगाह है, ये हमारा फ़र्श है, ये उनका फ़र्श है, ये हमारा जुलूस है, ये उनका जुलूस है, ये हमारा ताज़िया है, ये उनका ताज़िया है, वो शहर के बहुत बड़े आदमी के घर की मजलिस है, लिहाजा चाहे जितने थके हों हमें जाना है और जाके उन साहब को अपना चेहरा दिखाना है ताकि वो देख लें कि हम आए हैं, यानी इमाम देखें या न देखें, साहिब खाना शहर के बड़े आदमी ज़रूर देख लें कि हम आके शरीक हुए हैं। वो एक फ़कीर के घर की मजलिस है तो बहुत थक गया है, बहुत थक गया हूँ, कहाँ तक जाऊँ, क्या दिन भर मजलिस ही करना है? छः साल के बच्चे को आवाज़ दी, जाओ ज़रा जाके पाँच मिनट के लिए खड़े हो जाओ, अब कहाँ तक मजलिस करें, और कोई काम ही नहीं रह गया है, जिसे देखो वो अपने घर में फर्श अज़ा बिछाए हुए हैं। नहीं, अगर ऐसे जज्बात दिलों में हैं तो फिर याद रखिएगा, हम मासूम अज़ा से अभी नावाकिफ़ हैं, इसलिए कि इतना याद रखिएगा, करोड़पति के घर फर्श अज़ा बिछे तब भी फातिमा आती है, फकीर के घर फर्श बिछे तब भी शहजादी आती है।